अगर आप बहुत कम तेल और मसाले में कुछ ज़्यादा टेस्टी खाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये है बैंगन फ्राई। इसे बनाना बहुत आसान है और ये खाने में बहुत टेस्टी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निकीज कुकिंग कॉर्नर। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बैंगन फ्राई बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़े साइज का गोल बैंगन। आप जानते होंगे कि गोल बैंगन में बीज नहीं होते हैं, तो इसलिए आप भी कोशिश करें कि आप भी इस फ्राई को बनाने के लिए गोल बैंगन का ही इस्तेमाल करें। तो ये देखिए, बैंगन को हम अच्छे से धोकर चाकू से इसका चिप्स काट लेंगे। आप देख रहे होंगे कि इसे हमने बहुत मोटा नहीं और बहुत पतला भी नहीं कट किए हैं। तो चलिए, अब हम एक बाउल लेते हैं और इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच नमक और इसमें डाल देंगे एक गिलास पानी। पानी डालने के बाद हम इसमें सारे बैंगन डाल देंगे। इस तरीके से जब आप बैंगन को पानी में डालेंगे तो बैंगन काले नहीं पड़ेंगे और बैंगन फ्राई बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो इस तरीके से इसे पानी के अंदर अच्छे से डिप कर दें और इसे साइड में रख दें। तो अब हम यहाँ पर इसके मसाले तैयार कर लेंगे। इसके लिए एक बाउल लेंगे और इसमें डाल देंगे 3 बड़े चम्मच बेसन। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधी छोटी चम्मच नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार डालें। और ये है 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। और इसमें हम डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच चिवड़ा, यानी जो पोहा होता है उसे पीस कर हम पाउडर बना लिए हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं इस फ्राई को कुरकुरा बनाने के लिए। अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप उसे डाल सकते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। ध्यान रखें कि इसमें पानी नहीं डालेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को चम्मच से हल्का सा प्रेस करते हुए मिलाएंगे, जिससे कि इसमें लम्स बिल्कुल ना रहें। तो ये देखिए, अब ये पाउडर तैयार हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हमने सारे मसाले मिला लिए हैं। तो अब ये जो बैंगन हमने पानी में डालकर रखे हुए थे, इसे अब निकाल लेते हैं। इसे उठाकर इसका पानी निकल जाने दें, उसके बाद इसे एक बाउल में रख दें। रखने के बाद अब हम एक एक बैंगन के पीस को उठाएंगे और इसे इस तरीके से बेसन में लपेट कर फिर उसे एक प्लेट में रखते जाएंगे। ध्यान रखें कि जब आप बैंगन निकालें पानी में से, तो उसमें पानी ज़्यादा ना हो और ना ही वो एकदम सूख जाए, क्योंकि बैंगन जब सूख जाएगा तो ये जब हम बेसन पर लपेटेंगे तो वो उसमें नहीं चिपकेगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि जब बैंगन को पानी में से उठाएं तो उसे कुछ सेकेंड तक उठाए रहने दें, जिससे कि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और जो पानी बैंगन में लगे रहेंगे उसी पानी की हेल्प से ये बेसन का जो हमने पाउडर तैयार किया है ये बैंगन में अच्छे से चिपक जाएंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो है ये बंगाली डिश, पर ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, इसलिए इनको लगभग हर कोई पसंद करता है। इसमें तेल और मसाले तो बिल्कुल नाममात्र से होते हैं। तो ये देखिए, हमने बैंगन के सारे चिप्स में बेसन लगा लिए हैं। तो चलिए, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए एक इस तरह से चौड़े पेंदी वाला कोई भी फ्राइंग पैन आप गैस पर रख दें और जब वो गर्म हो जाए तो उसमें चारों तरफ इस तरीके से तेल डाल दें। तेल जब गर्म हो जाए तब फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें और इसमें एक एक बैंगन के चिप्स को रखते जाएं। अब 2 मिनट तक इसे सिकने दें। 2 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए, अब हम इन सारे बैंगन फ्राई को पलट लेते हैं। तो ये देखिए, एक एक बैंगन फ्राई को एक चम्मच की हेल्प से हम पलट दे रहे हैं। तो अब इस तरफ भी हम इसे 2 मिनट तक सिकने देते हैं। तो अभी इस पैन में थोड़ा सा जगह है तो हम एक और बैंगन फ्राई इसमें डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा इसमें तेल डाल देंगे और इसे इस साइड भी 2 मिनट तक सिकने देते हैं। ध्यान रखें कि फ्लेम को सिर्फ मीडियम टू हाई रखें, इससे ज़्यादा ना कम करें और ना ही एकदम हाई रखें। तो अब ये 2 मिनट हो गए हैं इसे सिकते हुए और आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा इसका कलर आ गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। आप ध्यान रखें कि जो भी इसमें भी सिका ना हो तो उसे पलट कर कुछ देर और छोड़ दें और बाकी जो हो गया है उसे निकाल दें। तो अब बाकी बचे हुए बैंगन चिप्स को भी हम इसमें डालकर फ्राई कर लेते हैं। आप ध्यान रखें कि जब ये शुरू में हम इसे सेकें तो उस समय फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें और लास्ट के 1 मिनट में फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, जिससे कि बैंगन अच्छे से पकने के साथ साथ क्रंची भी हो जाए। बैंगन को पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है और ये बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की ढेर सारी टेस्टी, हेल्दी और इजी रेसिपी देखने के लिए। तो अब सारे बैंगन फ्राई हो चुके हैं तो हम इन्हें निकाल कर प्लेटिंग कर लेते हैं। तो अब ये मज़ेदार बैंगन फ्राई तैयार है सर्व करने के लिए। इसे आप रोटी, चावल या पराठे के साथ मेन कोर्स में सर्व कर सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं हरा धनिया से। रेसिपी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।